जय हिंद दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं नोएडा टुडे। दोस्तों पिछले करीब 18-20 घंटे से लोगों के कमेंट्स बार बार क्या रहे हैं, और क्योंकि हमने एक खबर लगाई थी 64.7% अतिरिक्त मुआवजे को लेकर, जिसमें ये बताया गया था कि कुछ किसानों को ये 64.7% अतिरिक्त मुआवजा मिल चुका है और बाकी किसानों को मिलने वाला है। करीब 1200 फाइल यमुना प्राधिकरण में तैयार हो चुकी हैं जिन किसानों को ये मिलना है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये समस्या है और बहुत सारे लोगों की शंका है कि आखिर किन किन किसानों को ये मुआवजा मिल रहा है और किन किन को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जिनकी जमीन यमुना एक्सप्रेसवे में जा चुकी है या जिनकी जमीन अलग जो यमुना प्राधिकरण की जो साइट है उनमें जा चुकी है, या बहुत सारे जो किसान हैं उनकी जमीन फार्मूला 1 में जा चुकी है। तो ऐसे किसानों का संशय है कि उन्हें मुआवजा मिलेगा या ना मिलेगा अतिरिक्त वाला, या फिर कम मिलेगा। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ पवन खटाना जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इस बारे में काफी अच्छी जानकारी रखते हैं, अधिकारियों से लगभग रोजाना बात होती रहती है। तो आज विस्तार से इस बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। पवन खटाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसानों की बहुत सारी संख्या है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हमें मुआवजा मिलेगा ना मिलेगा। मथुरा के किसान हैं, आगरा के किसान हैं और अपने धनकोट क्षेत्र के किसान हैं जिनकी ये समस्या है, और ये मतलब उम्मीद उन्हें इस प्रकार की है भाई अगर मुआवजा मिलता हो तो हम अपनी फाइल आगे बढ़ाएं, मुआवजा ना मिलता हो तो फिर कुछ और सोचें इसके बारे में। तो क्या क्या प्रक्रिया है हमने प्राधिकरण के समय जो चल रही है? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो तरह के किसान हैं। एक किसान वो हैं जिनकी जमीन यमुना एक्सप्रेसवे में गई है, जो यमुना एक्सप्रेसवे में जमीन गई है उसी के साथ में 5 टाउनशिप के लिए जेपी ने जमीन अधिग्रहण की है, जो एक आगरा में है, एक मथुरा में है, एक टप्पल में है, एक दनकौर में है और एक पांचवी जो है वो नोएडा में है। ये 5 टाउनशिप LFD के नाम से जानी जाती हैं और हाईवे है। इनका केस आज भी गौतम बुद्ध नगर के सिविल कोर्ट में चल रहा है, आर्बिट्रेशन में अथॉरिटी हार चुकी है और JP वहां जीत चुका है। लेकिन आज स्थिति यह है कि और इससे अलावा जितने भी बिल्डर्स हैं या फार्मूला 1 ट्रैक की जमीन है उस सबको हमारी जो यमुना अथॉरिटी और सरकार है वो जीत चुकी है कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, और वहां ये डिक्लेयर हो चुका है कि किसान को 64.7% मुआवजा दिया जाए। लेकिन ये जो टाउनशिप और LFD तथा हाईवे है, इसमें ये इनका ये कहना है कि हमने जो जमीन ली थी वो किसान से किसान के रेट पे ली थी, हम उस पर एक्स्ट्रा बढ़ाकर नहीं देंगे, JP का ये कहना है। मतलब उस समय ये था ना कि 64% मतलब अतिरिक्त मिलेगा, उस समय कोई बात ही नहीं थी 64 की, उस समय तो जो मुआवजा हो गया था। उसके बाद में ये कोर्ट भी गए थे JP वाले और इन्होंने कहा कि हम एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। इसमें दो तरीके होते हैं कि जब अथॉरिटी जमीन देती है, जिसको अलॉट करती है अथॉरिटी ने, तो अलॉट किया गलगोटिया यूनिवर्सिटी को, सुपरटेक को, अजनारा को, बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं जिनको अलॉट किया था, अगर उनको 100 एकड़ जमीन देते हैं वो, तो उस 100 एकड़ के बराबर में जो उनके लिए सुविधा देते हैं रोड, सीवर, नाली वगैरह, उसका भी पैसा उनसे लिया जाता है। लेकिन JP को किसी भी अथॉरिटी ने अलॉट नहीं किया है, JP को पूरे टाउनशिप और हाईवे जो है वो JP का ही है। तो JP उस पैसे को देगा तो जरूर, 64% उन्हें देना तो पड़ेगा, लेकिन वो ये चाहते हैं कि बार बार इसे कोर्ट में उलझाए रखें। और जैसे कि 2014 से 2022 हो गई, 8 साल हो चुकी है, 8 साल उनको ये है कि अभी और 2-4 साल हम इसको खींच लें और इतने में हमें कुछ फायदा मिल जाएगा। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, चाहे वो आगरा के हैं, मथुरा के हैं, अलीगढ़ के हैं, बुलंदशहर के हैं या हमारे गौतम बुद्ध नगर के हैं, हाथरस के हैं, जो भी हमारे किसान भाई हैं, उन सभी 6 जिलों के किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि आप पहली बात एक अपनी डिमांड रखो, अथॉरिटी पर भी रखो कि वो कोई भी जो JP है वो भले ही कोर्ट रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ये डिक्लेयर करें कि जिस दिन वो हारेंगे वहां पर हमको 64% में ब्याज देंगे। जिस दिन ब्याज का सिस्टम उनसे जुड़ जाएगा, अथॉरिटी ये तय कर देगी कि आप जितना लेट कर रहे हो हम ब्याज रुपए आपसे लिया जाएगा, तब वो कोर्टों के चक्कर नहीं काटेंगे। आज वो कोर्ट पर जाना चाहते हैं, और मैं ये क्लियर कर दूं कि अभी यमुना एक्सप्रेसवे की जो भी लोग आपको बहका रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे का मुआवजा मिल रहा है, 64% अभी नहीं मिल रहा है, ना अभी कोई टप्पल की टाउनशिप का मिल रहा है, ना कोई आगरा की टाउनशिप का मिल रहा है, ना मथुरा की टाउनशिप का मिल रहा है, तो ये बात क्लियर है। लेकिन बहुत जल्द अथॉरिटी में हमारी बातचीत हुई है और अथॉरिटी के CO डॉक्टर अनुनवीर सर ने ये कहा है
कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसान के हित में आया है उसी किसान के हित के ऑर्डर को यहाँ भी सिविल कोर्ट में लगाएंगे। हम आशा करते हैं कि सिविल कोर्ट में उस ऑर्डर को लगने के बाद यह डिसीजन हो जाएगा कि किसान को 64 दिया जाए। लेकिन ये बिल्डर्स बहुत चालाक होते हैं, ये फिर हाई कोर्ट भगेंगे। उससे पहले हमें हर जिले के किसानों को एक एक ज्ञापन के माध्यम से अथॉरिटियों पर इस बात का प्रभाव और दबाव बनाना चाहिए कि आज के बाद जो डिसीजन हो उसके बाद अगर कोई भी बिल्डर्स कोर्ट भागता है तो उससे उसका मैं ब्याज लिया जाए 2014 से लगा करके, तब हमको जल्दी मिलने की संभावना बनती है। अच्छा, अभी जो मिल रहा है वो किन किन किसानों को मिल रहा है, किस तरह किसान है जिन्हें 64% अथॉरिटी दे रही है? अब है यमुना एक्सप्रेसवे जो शुरू होता है वो जगनपुर के पास से शुरू होता है, यमुना प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण में जो हमारा ये है फार्मूला वन ट्रैक, इसका मिलेगा, टोटल बिल्डर्स का मिलेगा, सेक्टर 18-20 का मिलेगा, 19 का नहीं मिलेगा, और उससे अलावा जितने भी सेक्टर जो अथॉरिटी ने काटे हैं उन सब का मिलेगा। बस अभी जो नहीं मिलेगा, मिलेगा उनका भी लेकिन थोड़ा जो लेट मिलेगा वो मिलेगा LFD, जैसे सेक्टर 19 धनकौर में पड़ता है, और एक टप्पल में है, एक आगरा में है, एक मथुरा में है, और एक ये हाईवे है, इससे अलावा सबको मिलेगा। LFD ये है कि जो इनको हाईवे के बदले में, हाईवे की जमीन भी JP ने खरीदी थी और जिस रेट में किसान से खरीदी थी उसी के बदले में इनका ये PPP मॉडल पर सरकार के द्वारा टाई अप हुआ था कि हम इसके बदले में 5 टाउनशिप खरीदेंगे और सेम रेट पर खरीदेंगे, तो उनको LFD का नाम दिया गया है। वो रीलखा, चपरगढ़, मिर्जापुर, अछेजा की जमीन है, कुछ वहाँ रामपुर, एक तो ये एरिया यहाँ पर है, एक LFD यहाँ है। इन गांव की सारी जमीन है, कुछ कुछ जमीन है। LFD जो एक है जो सेक्टर 19 में पड़ती है, हाईवे से अछेजा बुजुर्ग की तरफ को। अच्छा। और एक दूसरी जिसमें गौर सिटी आती है, लेकिन गौर सिटी का ये कहना है कि अगर 64% हो गया है तो हम सरकार के कहने पर और अथॉरिटी के कहने पर हम 64% अथॉरिटी में जमा कर देंगे, जो पहले बातचीत हुई है। अब अथॉरिटी उनसे किस आधार पर लेगी ये अथॉरिटी जानती होगी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने जमीन यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को दी है, तो हमारा उनसे ये कहना है कि आप JP हो या JP जैसा कोई भी बिल्डर हो, उससे ये कह दो जो जितना लेट देगा उससे 2014 से ब्याज लिया जाएगा। जिस दिन ये नोटिसें इन बिल्डर्सों पर जाने शुरू हो जाएंगे उस दिन ये किसान का पैसा देना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं समझता हूँ कि सभी किसान भाइयों के जो सवाल थे शायद उनके जवाब मिल चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी विस्तार से पवन खटाना जी ने बताया है। और आगे भी इस तरह की जो लगातार जानकारी हम अपने चैनल पर देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।